मेरी प्रीवियस वीडियो में मुझे एक्टिव सब्सक्राइबर मिले विदाउट एनी शेयरिंग, तो मैंने अपने इस वीडियो को कहीं भी शेयर नहीं किया और मुझे एक्टिव सब्सक्राइबर मिल गए। कितने मिले? 18। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी हर एक वीडियो पे आपको एक्टिव सब्सक्राइबर मिले और उस वीडियो में ऐसी खास क्या ट्रिक थी जो मैंने अजमाई, तो क्या आप भी वही गलती करते हैं जो आज तक मैंने अपने चैनल पर गलती की? अगर आप भी वो गलती कर रहे हो तो प्लीज़ वो गलती करना छोड़ दो। और साथ के साथ अगर आपके चैनल पे एक्टिव सब्सक्राइबर इंक्रीज होने लगेंगे, अगर आपको हर एक वीडियो में 18 से 20 सब्सक्राइबर मिलने लगेंगे, तो सोचो आपका चैनल कितनी ही जल्दी बूस्ट अप होगा, कितनी ही जल्दी ग्रो होगा। अगर आप भी चाहते हैं आपके चैनल ग्रो हो, तो ये ट्रिक एक बार अपने चैनल पे अपनी वीडियोस पे अपना के जरूर देखना। आई एम 100% श्योर कि वो ट्रिक अपना के आपके चैनल पे अगर 18 तो नहीं तो कम से कम 5 से 6 सब्सक्राइबर तो इंक्रीज होंगे ही होंगे विदाउट एनी गाइस। दिस इज मनु, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल टॉपिक शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने चैनल पे जो सब्सक्राइबर होते हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज करते हैं विदाउट एनी शेयरिंग। अगर आप अपनी वीडियो को शेयर नहीं करते तो आपके चैनल पे ना व्यूज आते हैं ना सब्सक्राइबर आते हैं। सो विदाउट एनी शेयरिंग अपने चैनल पे जो हम सब्सक्राइबर हो कैसे गेन कर सकते हैं, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक अपनाई थी, अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट 100% अच्छा गया और उससे मेरे चैनल को बूस्ट अप मिली, मुझे 18 एक्टिव सब्सक्राइबर मिले। तो आप भी अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट करते रहें ताकि हो सकता है आपकी कोई भी वीडियो वायरल हो सकती है, कोई भी वीडियो पे अच्छे सब्सक्राइबर मिल सकते हैं या बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो सकती है। सो गाइज, ये ट्रिक क्या थी जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अप्लाई की, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो उस ट्रिक को अपना के मैंने एक ही वीडियो में 18 सब्सक्राइबर मिले। तो आपको जब आपके काम पे कोई अप्रिशिएट करता है, आपको सब्सक्राइब करता है, वो भी अपने दिल से अपने मन से, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, वो लोगों तक जा रहा है। तो इससे क्या होता है, आप मोटिवेट भी होते हो और आपका जो काम करने का जज्बा होता है वो बढ़ जाता है। तो आज वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ट्रिक ये है कि जो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उस पर मैंने अपने चैनल के अकॉर्डिंग से एक अलग वीडियो डाली कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मुझे 18 सब्सक्राइबर मिले, वो यूं मिले, हम जो वीडियोस डालते हैं अपने यूट्यूब पे तो जिस चीज़ में हम माहिर होते हैं, जिस चीज़ पे हमें नॉलेज होती है, हम उसी चीज़ पे वीडियोस बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिस टॉपिक पे मुझे नॉलेज है या आपको नॉलेज है आप उस टॉपिक पे वीडियो शेयर करते हो। बट जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं एंड जो सर्चेबल वीडियोस होती है सर्चेबल, अगर आप उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं तो चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं कि आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाए। तो अगर आप भी ये ट्रिक अपनाएंगे, अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और अपने वीडियोस अपने चैनल पे ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे जो ट्रेंडिंग हो और सर्चेबल हो और जो लोग देखना पसंद करते हैं, तो यही ट्रिक थी जो मैंने अपनी उस प्रीवियस वीडियो में अपनाई। तो जिससे क्या हो गया, मेरे चैनल भी बूस्ट अप मिल गए मेरे चैनल को और मेरे चैनल पे एक ही वीडियो मुझे 18 सब्सक्राइबर मिल गए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना और ये ट्रिक एक बार अपने चैनल पे जरूर करके देखना। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और ये ट्रिक अपना के आपका चैनल भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अपने एक और शानदार वीडियो में, चलिए फिर सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।